सैद्धांतिक रूप से तो मैं कहूंगा, मैं जब भारत की बात करता हूं, मैं भारत वंदन की बात करता हूं, तो वो भारत की ऐतिहासिक भूमि है जो इस तरफ हिमालय से उधर तक हिमालय, मतलब जिसमें आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश सब कुछ आ जाता है, क्योंकि सदियों से ये भूमि रही है। जो जिसको हम टूटा हुआ भारत बोलते हैं, ये तो जबरदस्ती हम पर थोपा हुआ है। वाकई भारत तो हमारा वो है, लेकिन ये बांग्लादेश के साथ में जैसा हुआ वैसे पाकिस्तान में भी हुआ है, और हमने पाकिस्तान के बहुत से हिंदू परिवारों को यहाँ वीसा का अरेंजमेंट करवा के भारत में बुलवाया। भारत की सरकार ने उनको वापस भेजने के लिए काफी प्रयास किए। हमने वहां दिल्ली में मजनू का टीला, वहां पर उनको रखकर आंदोलन किया कि उनको हम जाने नहीं देंगे। पार्टीशन करके उनको वहां अपने हाल पे छोड़ देना, ये हमारी गलती थी। वहां के हिंदुओं की ओनरशिप हमारी होनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी ने, ईश्वर ने तो उनको भारतीय बनाया था, हमने लकीर काट कर उनको अपने से अलग किया, तो हमारी ओनरशिप है, हमने उनको लाया है। और यहां पर भी इसीलिए कहा, बांग्लादेश में भी हमारा ये प्रयास है। और देखिए, इन सब के पीछे जो मूल कारण है वो फिर वही आ जाता है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ, मैं तुमसे अलग, मेरा ईश्वर तुमसे श्रेष्ठ, तुमसे अलग, मेरा मजहब तुमसे श्रेष्ठ, तुमसे अलग। इस भावना को जड़ से जब हम तोड़ेंगे तब इन बीमारियों का इलाज होगा, और इसके लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध है। बांग्लादेश में भी हमारा प्रचार का यह मीडियम रहेगा। एक तरफ हम हिंदुओं से कहें कि आप अपने विचारधारा पे डटे रहें, आप उसको वो करने की आवश्यकता नहीं है, उससे हटने की। और वहां के बाकी जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट से आए, जिनको फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट अट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर भी एक समग्र मानवतावाद को हम प्रचारित करें, और ये भी हो रहा है, ये कार्य काफी अच्छे से हो रहा है।